हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है और मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने भी अपना सारा काम कर दिया, घर की साफ़ सफाई वगैरह और झाड़ू पोछा वगैरह मैंने सारा कर दिया, और मेरी फ्रेंड ने पूरा किचन का काम कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पूरे बर्तन धुले हुए हैं, किचन पूरी तरह से साफ़ है। किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो कि मेरी फ्रेंड ने बढ़िया किचन को साफ़ करके सारे बर्तन धो के सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। गैस को भी अच्छे तरीके से पोंछ दिया है, सारा मेरी फ्रेंड ने रेडी करके सब कुछ साफ़ सुथरा करके उसने चाय नाश्ता भी रेडी कर दिया। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये कुकर में चावल चढ़ा हुआ है, जो कि मैंने चढ़ाया था, और मैंने दाल पहले ही उबाल दिया था। आपको दिखा दूँ, ये दाल अरहर की दाल है, तुअर की दाल जिसे कहते हैं, ये मैंने उबाल दिया है। अभी मैं इसको तड़का लगाऊंगी, फ्राई करूंगी, और ये मैंने एक आलू भी उबाला हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा ना कि मैंने आलू भी उबाला हुआ है। मेरी फ्रेंड है जो वो बिहार साइड की है, तो उनके यहाँ एक वो चोखा खाने का उनका एक वो होता है, तो मैंने उसके लिए सोचा था कि चलो दाल चावल और चोखा बनाते हैं। उनको बहुत फेवरेट डिश होता है, उनको बहुत पसंद आता है, तो मैंने दाल चावल चोखा बनाया है। जब मैं दाल फ्राई करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, जब मैं चोखा भी बनाऊँगी ना तो मैं आपको दिखाऊँगी चोखा कैसे बनता है। फिलहाल मेरी फ्रेंड ने अभी, आप जैसे देख सकते हैं कि बढ़िया चाय चाय बढ़िया बन चुकी है, हम लोग का नाश्ता नाश्ता पूरी तरह से रेडी है। तो अब हम जाएंगे थोड़ा सा बढ़िया नाश्ता वगैरह करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद मैं दाल फ्राई वगैरह कर लूँगी, और फिर हम खा वा के हम लोग को निकलना भी है। तो आज दोस्तों फाइनली मेरा बेडशीट भी सूख चुका है, तो मैं आज फाइनली बेडशीट भी चेंज करूँगी। तो मैं बेडशीट चेंज करने के बाद आपको दिखाऊँगी कि बेड की जो रंगत बढ़ जाती है और जो सुकून मिलता है जब आप बेडशीट चेंज करते हैं, और ख़ासकर जब आप गंदे बेडशीट में कई दिनों से सो रहे होते हैं, तो उसका जो मज़ा है ना, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए हम नाश्ते करके फिर आपसे मिलते हैं। ये दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारी चाय बेड पे आ चुकी है, और मेरी फ्रेंड बस आ ही रही है, और वो कैमरा देखते ही भाग जाती है। वो कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, वो कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहती है, तो मैं भी उसे ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, तो चलिए हम फटाफट अब हम चाय पी लेते हैं, फिर हम चाय के बाद आपसे मिलते हैं। ये दोस्तों, तो मेरा चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ दाल फ्राई करने और चोखा बनाने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जब फ्राई करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, जब मैं चोखा बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली मेरा दाल बनके कंप्लीट हो चुका है। ये है चोखा, ये चोखा होता है, चोखा भी हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो देखा आपने दोस्तों, मैं कुकिंग करते टाइम कैसे बहू हमारी रजनीकांत बन जाती हूँ। बनना पड़ता है, इतनी बिजी लाइफ है, उठना है, जॉब जाना है, खुद नाश्ता बनाना है, खुद खाना बनाना है, शॉर्ट रेडी करनी है, पॉपुलर भी होना है, दुनिया का सारा काम करना है। तो दोस्तों, तो इतना ही तो करना पड़ेगा। तो आपको ये बहू हमारी रजनीकांत का फास्ट फास्ट काम कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारा फ़िलहाल खाना बन चुका है दोस्तों, तो हम अब खाएंगे, क्योंकि हम लोग को टाइम हो गया है, हम लोग फटाफट खा के भागना है।
तो देखती हूँ मैं अब मिल पाती हूँ कि नहीं मिल पाती हूँ। खाने टाइम में अगर आपसे मिल पाई तो मैं मिलूंगी, नहीं तो हो सकता हम सीधे जल्दी जल्दी खा के निकल जाएं। अगर टाइम होगा तो मैं खाते टाइम साथ मिल जाऊँ, नहीं तो सीधे हम शाम को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मेरा खाना बन के तैयार हो चुका है और मैं लेके बैठ गई हूँ खाने के लिए। तो अब हम फटाफट खाएंगे, अब हम जाएंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपको सीधे ही शाम को, तब तक के लिए बाय बाय। हे दोस्तों, तो मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ। ऑफिस से आने के बाद हम लोग हाथ वाथ मुँह धो के, ड्रेसेस चेंज करके, फ्रेश होके हम लोग ने चाय नाश्ता भी कर लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरा बेडशीट सूख रहा है, जो मैंने कल दो धोया था तो उसमें से एक सूख गया है, फिर एक उसको मैंने सुखाने दिया था अंदर, इसलिए डाला हुआ है मैंने, क्योंकि क्या कहते हैं अभी बारिश का मौसम। सुबह से मुझे लगता है कि कम से कम एक दो बार ही धूप थोड़ी सी देखने को मिली होगी, वो भी 1 से 2 सेकंड के लिए। पूरे टाइम रह रह के बारिश भी हुई है और मौसम भी ख़राब हुआ है। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको कि हम लोग ने चाय नाश्ता किया है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ने चाय नाश्ता भी कर लिया है, क्योंकि हम लोग थक के आए थे तो थोड़ी एनर्जी डाउन होती है, तो बढ़िया नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। तो हम लोग ने बढ़िया चाय नाश्ता किया कि और मैं आई हूँ। और इंसान जब थक के आता है, आप खुद ही सोचो, जब इंसान थक के आता है घर पे तो आपका बेड साफ सुथरा और अच्छा रहे, तो उसमें बैठने में जो रिलैक्सेशन है, जो मज़ा है, वो बात ही अलग है। तो मैंने जैसे बताया था कि आज मैं अपना बेडशीट चेंज करूँगी, और सुबह तो टाइम बिल्कुल मिल नहीं पाया था, काम करके हम लोग फटाफट ऑफिस चले गए थे। तो अभी आए हम लोग, फिर आए, फिर हम लोग हाथ वाथ मुँह धोए, सब थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करके थोड़ा अपने आपको एनर्जेटिक बनाया। और फिर अभी बज रहे हैं, अभी 2:10 बजने वाले हैं। सोचिए काम करते करते आने में भी लेट हो जाता है, फिर घर के कुछ काम, हाथ वाथ धोते धोते थोड़ा थोड़ा बैठ के रिलैक्स करते, तो चाय नाश्ता करते, इतने में ही टाइम हो जाता है। सोचो अभी 10 बज चुके हैं। तो अब मैं फटाफट पहले बेडशीट चेंज करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना शॉर्ट रेडी करूँगी, फिर उसके बाद खाना खाना खाऊँगी। या कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा लेट होने लग जाएगा तो, या फिर हम लोग वो शॉर्ट को पहले स्किप करके पहले खाना बना के खाना खाएंगे, फिर शॉर्ट रेडी करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मैं अभी जा रही हूँ बेडशीट चेंज करने, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। और बेड का सुहाना मौसम जब बदलता है बेड बदलने के बाद, बेडशीट बदलने के बाद, तो मैं उसे दिखाती हूँ। चलिए ये दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मेरा बेड फाइनली, बेडशीट मैंने इसमें लगा दिया है। अब सोने में बड़ा ही मज़ा आएगा। तो चलिए हम आपको खाने पे मिलते हैं। ये दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो आइए देख लेते हैं खाने में क्या क्या बना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भिंडी की सब्जी है, दाल है और ये रोटी है। तो दोस्तों, कल हमने जो भिंडी ली थी तो आधी से ज़्यादा भिंडी पूरी ख़राब हो गई, वो थोड़ी सी ही भिंडी बची थी, जिसकी वजह से हमारा ये सब्जी जो बना है वो भी प्याज की वजह से बना है, कि प्याज टमाटर मैंने भर भर के डाला था, इसलिए कम से कम इतना हो गया कि हम खा सकें। नहीं तो वो तो अच्छा है कि दोपहर का दाल भी था तो अब हमको हो रहा है, नहीं तो हमारी पूरी भिंडी पूरी ख़राब हो गई। नहीं पता कौन कैसा भिंडी दिया था उसने, पूरा मतलब कि सुबह तक पूरा गल के सड़ चुका था, उसमें से छाट के जितना निकला उतना ही मैं हम लोग बना पाए। तो ये मेरा फाइनली हम लोग का खाना रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे खा लेते हैं। हे दोस्तों, तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा खाना लग चुका है, तो अब मैं जा रही हूँ इसे खाने, और मैं आपके साथ इसे ज़रूर शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं, तो आप भी अगर भूख लग रहा तो आप भी खाइए, मुझे इस तरह नज़र मत लगाइए। तो मैं अब खाना खा के जाऊंगी शॉर्ट बनाने, ऑलरेडी रात की 12 बज चुके हैं, तो मैं शॉर्ट कंप्लीट करूंगी। तो अब मिलते हैं हम आपको कल। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।